नमस्कार दोस्तों, वित्तकुंड स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में, पिछले पाठ में आपने ये सीखा है कि पैसे की क्या अहमियत है, पैसा क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, इस पाठ में, इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा कमाने के जो भी जरिए हैं उनमें क्या अंतर है, उनके फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर हम पैसा कमाने के लिए या तो नौकरी करते हैं या खुद का व्यवसाय करते हैं, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। तो दोस्तों, नौकरी का रास्ता हम इसलिए चुनते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है, हमने ये सुना है कि नौकरी में जो है रिस्क कम होता है, नौकरी में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, नौकरी में पेंशन मिलती है और नौकरी में खुद की पूंजी नहीं लगानी पड़ती, नौकरी में तनाव कम होता है। तो दोस्तों, हमें ये बचपन से ये सिखाया जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर में कोई आता है तो हमसे पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो हम बताते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। कोई ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कि हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना होता है। तो दोस्तों, हमें जो है हम डरे हुए होते हैं, इसलिए हम आसान रास्ता चुनते हैं जो हमें लगता है कि नौकरी होता है, उसमें रिस्क कम होता है, उसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है, उसमें पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों, नौकरी में रिस्क कम नहीं है, नौकरी में आजकल तनाव बहुत ज्यादा है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी कुछ आप इस तरह समझ लीजिए कि कुछ साल पहले बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट होते थे जो आज प्राइवेट हो चुके हैं, और दोस्तों थोड़े सालों के और बाद जो है ये डिपार्टमेंट भी जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप ये मान भी ले, वो हम भी ये मान लेते हैं कि नौकरी में रिस्क कम है, सिक्योरिटी ज्यादा है, पेंशन जो है वो ऑप्शन है, तो दोस्तों नौकरियां हैं कहां। हम जितने एक दिन में इंडिया में पैदा होते हैं, नौकरियां उसकी बहुत कम होती है। हम एक साल में जो कॉलेज से पास आउट होते हैं, नौकरियां उसकी बहुत कम होती हैं। जो अच्छी नौकरियां होती हैं IAS की, IPS की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, दोस्तों इतनी आसानी से नहीं मिलती और बहुत थोड़ी होती है, और उसके लिए हमें जो है बहुत पढ़ना होता है, लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने होते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, और अपनी जीवन में एक तरह से तपस्या करनी होती है, तब जाकर ये नौकरियां मिलती है। इनकी भी कोई गारंटी नहीं है। और सिक्योरिटी को आप कुछ आप इस तरह समझ लीजिए दोस्तों कि पहले जो है देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई, आप एक बात समझो, एक संस्था होती है जिसको हम आर्मी बोलते हैं। तो दोस्तों, आर्मी में भी सिक्योरिटी कहाँ है, अग्निवीर भर्ती होते हैं 4 साल के लिए। तो दोस्तों, आप लगा लीजिए कि आपका और हमारा फ्यूचर कहाँ है। अब बात कर लेते हैं पेंशन की। तो दोस्तों, पेंशन जो है वो सबके पास, आज जो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है या सरकारी कर रहा है, सबके पास ऑप्शन है NPS का, और वो ऑप्शन तो बिजनेसमैन के पास भी है। कोई भी अपना पैसा जो है NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के बाद 60 साल के बाद पेंशन पा सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए किसी सरकारी नौकरी पर या प्राइवेट नौकरी पर होना जरूरी नहीं है। और जो बहुत बड़ी नौकरियां हैं, जैसे गूगल की नौकरी हुई, तो दोस्तों के लिए तो दोस्तों एक्चुअल में तपस्या करनी पड़ती है, जब जाके वो नौकरियां मिलती है। तो दोस्तों, नौकरियां हैं भी कम, और ऐसा हमारा जो वहम होता है कि रिस्क कम है, सिक्योरिटी ज्यादा है, पेंशन वाला जो हमारे दिमाग में खाका रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वैसे बिजनेस का। आज का माहौल आप देख लीजिए, फ्यूचर का माहौल आप देख लीजिए, और जो पास्ट आपका बीत गया वो माहौल आप देख लीजिए। आप इंडिया के किसी भी शहर में रह रहे हो या वर्ल्ड के किसी भी शहर में आप रह रहे हो, तो आप वहाँ की सबसे पोश कॉलोनी में जाओ, तो आपको जो सबसे बड़े घर दिखेंगे उनमें जाकर किसी एक से भी रैंडमली पूछ लीजिए, भाई साहब करते क्या हो, तो वो आपको बताएगा कि मैं तो बिजनेस करता हूँ। आप रोड पर खड़े हो जाइए, महंगी महंगी गाड़ियाँ आप देख लीजिए, सस्ती गाड़ियाँ आप देख लीजिए, और महंगी गाड़ी वाले से पूछ के रिक्वेस्ट कीजिए, भाई साहब आप करते क्या हो, तो आपको जवाब मिलेगा मैं तो बिजनेस करता हूँ। आप अपने ही शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लीजिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, कमर्शियल शॉपिंग मॉल हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, वो सब हैं क्या चीज, वो सब जो है वो सब के सब जो है वो बिजनेसमैन के होते हैं और बिजनेस के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों, ये फर्क होता है नौकरी में और बिजनेस में। तो दोस्तों, बिजनेस और नौकरी में कुछ फर्क और भी जान लेते हैं। दोस्तों, बिजनेस में जो है कमाई की कोई सीमा नहीं होती, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, नौकरी में सीमित कमाई होती है। दोस्तों, बिजनेस में जो है खुद का समय होता है,
खुद के आप मालिक होते हो, खुद का आपका नियंत्रण होता है, लेकिन नौकरी में जो है आप निश्चित समय पर निश्चित नियमों से बंध कर जो है नौकरी करते हो, आपका बहुत ज़्यादा नियंत्रण उस पर नहीं होता। बिजनेस में बहुत रिस्क है, लेकिन नौकरी में भी रिस्क और तनाव आजकल कम नहीं है। और दोस्तों, बिजनेस से आप दूसरों को नौकरी प्रदान कर सकते हो, अपने परिवार के साथ दूसरे का पेट भी पाल सकते हो, दूसरे के परिवार को पाल सकते हो, भारत की अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा अच्छे योगदान दे सकते हो, लेकिन नौकरी में जो है आप सीमित हो, आप और वो नौकरी के ऑप्शन जो है नहीं पैदा कर सकते, अवसर नहीं पैदा कर सकते, दूसरे के परिवार का जो है आप ख्याल नहीं रख सकते। और दोस्तों, आपकी जो कमाई सीमित होती है, इसलिए आपकी इच्छाएं भी जो है वो सीमित हो जाती है। तो दोस्तों, नौकरी और बिजनेस में बहुत सा अंतर होता है, और आपको चुनना होगा कि आपको जो है नौकरी करनी है या फिर बिजनेस करना है। और जो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि मेरे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो ये एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। और दोस्तों, जो रूढ़िवादिता है उससे हमें निकलना होगा। और जो हम डरे हुए हैं, हम डरे इसलिए हुए हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, तो दोस्तों इस टैबू से हमें बाहर निकलना होगा। और दोस्तों, नौकरी बिजनेस में एक फ़र्क और भी है। मान लीजिए 20 साल 30 साल पहले मैं नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, उस समय मेरी तनख्वाह जो है, सैलरी जो है 20,000 रुपये थी। वो 30-35 साल बाद जब मैं रिटायर होने की कगार पर हूँ तो मेरी तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए। तो मैंने कितना संघर्ष किया, मैंने 30 से 35 साल संघर्ष किया, 30 से 35 साल नौकरी की, और 30 से 35 साल पहले मेरी 20,000 तनख्वाह थी, आज मैं 1.5 लाख पर पहुंच चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी जो है वो नौकरी करे। तो दोस्तों, क्या आपने जो संघर्ष किया है आपका बच्चा भी उतना ही करेगा? बिल्कुल करेगा। आप अपना जो आपने जो संघर्ष कर लिया है ना, वो ऐसा नहीं कहा वो आपके बच्चे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस में ये संभव है। मान लो आपने 30 साल पहले कोई बिजनेस शुरू किया, उस समय जो है पर मंथ जो है महीने का 20,000 रुपये कमाते हो, और आज 25, 30, 35 साल बाद जो है आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, बहुत अनुशासन दिखाया, और आपने जो है आज जो है आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए महीना कमाने लगे, और अब आप रिटायरमेंट होने की एज में आ चुके हो, तो आप अपना जमा जमाया बिजनेस अपने बच्चे को देते हो, तो आपका बच्चा शुरुआत वहाँ से करेगा जहाँ से आप छोड़ रहे हो। नौकरी वाले का बच्चा वहाँ से शुरुआत करेगा जहाँ से आपने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आपने 20,000 से शुरुआत किया था, वो भी 20-30,000 से शुरुआत करेगा, और 30-35 साल के बाद वो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक आएगा। और बिजनेसमैन जो है आज, जिसने 20,000 से शुरुआत की थी, आज वो 20 लाख रुपए कमा रहा है, तो अपने बच्चे को वो उस जगह पर छोड़ेगा जहां उसने अब वो उस जगह जो है अपने बच्चे को बिठाएगा जहाँ पे वो उस बिजनेस को छोड़ रहा है। तो दोस्तों, ये फर्क होता है नौकरी में और बिजनेस में। तो दोस्तों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि नौकरी और बिजनेस में बेस्ट कौन है। आपका मन बदला होगा कि नहीं, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को देश की अर्थव्यवस्था में जो है भागीदार बनना है, मेरे को और बेहतर लाइफ अपने परिवार को अपने आप को देना है, मैंने और लग्जरी लाइफ जो है वो जीनी है, मैं जो है दूसरे का पेट भी पालूंगा, वो एक तरह से परोपकार भी है दोस्तों, लेकिन वो आप संभव है वो सिर्फ बिजनेस से है। और आप ये चाहोगे कि जो संघर्ष मैं करूंगा जीवन में, उतना संघर्ष मेरे बच्चे को ना करना पड़े, तो दोस्तों उसके लिए जो आसान सा रास्ता है वो है बिजनेस का। तो दोस्तों, हमें अपना मन बनाना होगा, हमें जो है एंटरप्रेन्योर बनने का, बिजनेसमैन बनने का ऑप्शन जो है वो अपने जीवन में रखना होगा। तो दोस्तों, आशा है आपको बिजनेस और नौकरी के अंतर समझ में आ चुका होगा, और अब आपने थोड़ा हम मन ये बना लिया होगा, आपका मन जो है ये ठान चुका होगा कि मेरे को जो है बिजनेस करना है। तो दोस्तों, आपके लिए जो है वित्त कुंड के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं, आप जो है सेकंड स्टेप ले चुके हो अपने जीवन पे। तो दोस्तों, हम आपको सफलता की तरफ जो है ले जाएंगे, हम आपको कंप्लीट बिजनेसमैन बनाएंगे। और कैसे बनते हैं, हम जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं, इसके लिए जो है आपको बड़े पेशेंस के साथ जो है वित्त कुंड का हर चैप्टर जो है वो रटना नहीं है, उसको समझना है, जीवन की सच्चाई को समझना है। और दोस्तों, ये ठानना है कि मेरे को जो है भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है, मेरे को जो है बेहतर लाइफ जीनी है, मेरे को बहुत अच्छे तरह से जीवन जीना है, मेरे को जो है अभाव की जिंदगी में नहीं रहना है। तो दोस्तों, बिजनेसमैन के जो है रास्ते खुले हुए हैं। तो दोस्तों, वेलकम
है आप सभी का बिजनेसमैन के इस दुनिया में, वेलकम है एक बेहतर जिंदगी की इस दुनिया में आपका। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट पे, अगले चैप्टर पे, अगले लेसन पे। ओम इताय नमः। नमस्कार भाइयों।